हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आईओएस मैनेजिंग सेफ्टी और निवोस हेल्थ एंड सेफ्टी के बुक्स में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, इन्हें क्वालिफाई करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को आईओएस मैनेजिंग सेफ्टी के बुक्स के टॉपिक्स बताऊंगा, क्योंकि मैं दोनों के नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको निवोस हेल्थ एंड सेफ्टी का भी वीडियो देखना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आईओएस मैनेजिंग सेफ्टी का बुक। मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, ये बुक आपको मार्केट में या ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके सारे कंटेंट्स कॉपीराइटेड हैं, इसे कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता। हाँ, इसे मिलते जुलते कॉन्टेंट्स वाले बुक्स आपको मिल सकते हैं मार्केट में या नेट पर, लेकिन इसका ओरिजिनल कॉन्टेंट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट है और हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है आईओएस में। आइए देखते हैं। तो देखिए, इसमें कुल 7 चैप्टर्स हैं, जिसे मॉडल 1 मॉडल 2 के नाम से दिया गया है इसमें। तो देखिए, मॉडल 1 में क्या है। मॉडल 1 में इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफ्टी, यानी पहले चैप्टर में हम मैनेजिंग सेफ्टी का इंट्रोडक्शन जानेंगे, और मॉडल 2 में है असेसिंग रिस्क, यानी रिस्क का आकलन करना कि रिस्क कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ये हम मॉडल 2 में जानते हैं। फिर मॉडल 3 है यहाँ पे कंट्रोलिंग रिस्क, रिस्क को कैसे कंट्रोल करें इसमें ये बताया जाता है। और जो मॉडल 4 है वो है अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसे समझना कैसे है, इस मॉडल में हम जानते हैं। और जो मॉडल 5 है वो है अंडरस्टैंडिंग हैजर्ड्स, इसमें आप हैजर्ड्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से हैजर्ड्स होते हैं। और जो मॉडल 6 है वो है इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट, यानी घटनाओं की जांच कैसे होती है, ये आप मॉडल 6 में जानेंगे। और जो मॉडल 7 है उसमें जानेंगे मेजरिंग परफॉर्मेंस, यानी जो भी आपने परफॉर्मेंस देख रहे हैं उसे कैसे मेजर करेंगे कि ये सही है गलत है, ये आप जानेंगे मॉडल 7 में। अब आइए एक एक चैप्टर वाइज देखते हैं कि इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आईओएस में पूछे जाते हैं। तो आइए पहले मॉडल 1 का देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफ्टी। तो देखिए, यहाँ पे ये पहला पेज है बुक का, इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा पहले चैप्टर में इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफ्टी में। वाई इज द इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफ्टी, ये पहला है आपका टॉपिक। और वाट इज योर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग सेफ्टी, तो ये दो टॉपिक्स आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होगा इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफ्टी में। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पहला है इट्स इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफ्टी बिकॉज, यानी सेफ्टी को मैनेज करना इम्पोर्टेंट क्यों है। और जो दूसरा है, योर रोल इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, यानी आपका रोल क्या होगा और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। अब चलिए मॉडल 2 में देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें की लर्निंग पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें पहले में जानेंगे व्हाट इज रिस्क और व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट एंड हाउ आर रिस्क असेसमेंट कैरिड आउट, ये 3 टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं असेसिंग रिस्क में, यानी मॉडल 2 में। जो सेकेंड चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिस्क इज, यानी रिस्क क्या है, और रिस्क असेसमेंट इज, रिस्क असेसमेंट क्या है, एंड द 5 की स्टेप टू रिस्क असेसमेंट, और रिस्क असेसमेंट करने के जो 5 तरीके होते हैं वो क्या है। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिस्क असेसमेंट फॉर्म को कैसे फिलअप करें, इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो इसमें देखिए, मैं बता दूँ, इसमें 2 पेपर होते हैं आईओएस के एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, जिसमें पहले पेपर्स में 30 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, उन्हें आपको ऑब्जेक्टिव टिक करना होता है, और जो सेकेंड पेपर होता है उसमें रिस्क असेसमेंट करना होता है आपको, यानी प्रैक्टिकली करना होता है, साइट पे जाके आपको वहाँ देखना होता है। लेकिन आप तो इंडियन एजुकेशन के बारे में जानते ही हैं कितना प्रैक्टिकली पढ़ाई होती है, तो ये भूल जाइए कि आपको साइट पे जाके दिया जाएगा कि रिस्क असेसमेंट कीजिए, आपको बस क्लासरूम में बैठ के अपने दिमाग से सोच के कैसे भी हैजर्ड्स और उसके कंट्रोल मेजर डाल देने होते हैं यहाँ पे फॉर्म, रोजामा हो जाता है, आपका पेपर फाइनल हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा आईओएस के। अब आइए देखते हैं कंट्रोलिंग रिस्क, यानी मॉडल 3 में क्या क्या पढ़ते हैं हम। तो देखिए, इसमें क्या है लर्निंग की पॉइंट, हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क, ये पहला क्वेश्चन होगा, एंड हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू बी यूज, तो ये है मॉडल 3 का।
और मॉडल थ्री से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्या है, इफ यू वांट टू रिड्यूस रिस्क यू नीड टू लुक एट, यदि आप रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको क्या नजर देखना होगा, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है टू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू बी यूज देयर आर हायरार्की विच इज, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल थ्री से। तो आइए देखते हैं मॉडल फोर, अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसके देखिए क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं। व्हाट डज द लॉ रिक्वायर्ड यू टू डू, हाउ डज द लॉ वर्क, व्हाट आर द की पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजिंग सेफ्टी, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लॉ रिक्वायर्स यू टू, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज ओवरसीन बाय द की पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आर, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल फोर से। अब आइए मॉडल फाइव की तरफ चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग हैजर्ड्स यानी हैजर्ड्स का पहचान करना। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, व्हाट आर कॉमन हैजर्ड्स एंड व्हाट कैन यू डू अबाउट कॉमन हैजर्ड्स। और देखिए यहाँ पे दिया है कितने प्रकार के हैजर्ड्स होते हैं। हैजर्ड्स जनरली फॉल इनटू सिक्स ब्रॉड ग्रुप, मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल। ये मुझसे काफ़ी बार ग्रुप में पूछा गया है जिसका मैंने आंसर काफ़ी बार दिया होगा। भाई देखते हैं मॉडल सिक्स, मॉडल सिक्स है इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वाई इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट, हाउ डू इंसिडेंट हैपन, हाउ डू यू कैरी आउट एन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट से। हमारा सातवां है और लास्ट है मेजरिंग परफॉर्मेंस, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द परफॉर्मेंस मेजरिंग अबाउट, हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज ऑडिटिंग, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट चैप्टर से मेजरिंग परफॉर्मेंस से। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं हमें, और अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो उसे भी कमेंट बताएं कि हम कैसे उसे पूरा कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।